अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत होंगे। आज की वीडियो है देसी चूज़ों के ऊपर। कुछ व्यूअर्स की कमेंट्स आ रही थी मेरे पास कि हमें बताएं कि हमारे चूज़े जो हैं वो मर जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ फुल इंफॉर्मेशन वीडियो बनाएं, तो ये वीडियो उसी पर बनाने जा रहा हूँ मैं आज की वीडियो। और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को पूरी एंड तक देखें। जब आप फुल वीडियो देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको कैसे केयर करनी चाहिए अपनी देसी चूज़ों की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो व्यूवर्स नए हैं उनको दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने तकरीबन देसी चूज़े सेकंड टाइम रखे हैं और फार्मी चूज़े को भी मैंने बड़ा सारा एक्सपीरियंस है, मेरा जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। देसी चूज़े जब भी आप लेके आते हैं तो सबसे पहले आप ये करें कि ज़्यादातर देसी चूज़े आते हैं गर्मियों के सीज़न में। आप गर्मियों के सीज़न में अगर देसी चूज़े लेके आए हैं तो नॉर्मल सी है कि बल्ब वगैरह की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। तो अगर सर्दियों में लेके आए तो सर्दी में थोड़ा सा हीट देना पड़ता है, बल्ब वगैरह लगाना पड़ता है, उस टाइम पर थोड़ी हीट देनी पड़ती है। अगर आप गर्मियों के सीज़न में लाएँ तो हीट की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मौसम टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहता है तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है। तो कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि कुछ दिन शुरू के, जैसे 5 से 6 दिन हो गए इंपॉर्टेंट शुरू के जैसे होते हैं। जब भी हम देसी चूज़ा लेके आते हैं वो तकरीबन भी 10 से 15 दिन तक का मिलता है हमें शॉप में से। जब भी हम परचेज़ करेंगे तो ऑलरेडी 10 से 15 दिन का होता है वो। जैसे आप लेके आए आप कोशिश करें कि फ्रेश पीस लें, जैसे मतलब जो एक्टिव होते हैं, जो भाग रहे होते हैं सुस्त नहीं लें। तो ख़रीदारी भी इस तरह से ही करनी होती है कि जो चूज़े एक्टिव हैं आप वो लेके आए, वो जैसे आप लेके आए आप अपने एक छोटे से केज में जैसे आपने रखा है उनको सबको साथ में रखें, कोई इशू नहीं है। 10 पीस 15 पीस जितने भी हैं सबको आप साथ में रखें। आप उनको सिर्फ और सिर्फ 0 फीट के लाएँ और कुछ भी नहीं उसके अलावा। तकरीबन कम से कम 5 से 6 दिन आप सिर्फ उनको बारीक फीट पर ही रखें, सिर्फ फीट ही खिलाएँ। और पानी का जो रूटीन है वो दो चीज़ें जो मेन जो मैं यूज़ करता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ORS का एक सैशे, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा नंबर प्रोडक्ट है वो है गुड़। गुड़ जो है वो आपने पिछले साल का लेना है, नया गुड़ नहीं लेना। जो पिछले साल का होगा उस पर ज़्यादा ब्राउन होगा, ज़्यादा ब्राउन जैसे कि आप देख सकते हैं फुल ब्राउन पीस है। और जो नए साल का होता है वो थोड़ा सा येलो कलर में होता है, वो नया गुड़ होता है, हमें लेना है पुराना गुड़। एक ये गुड़ का ऑप्शन है और एक है ORS का सैशे। ये दो चीज़ें हम उस टाइम पर इन्हें पानी के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। ORS का सैशे तकरीबन भी आप इस तरह से रखें, रखने के पूरी रूटीन भी मैं आपको बताता हूँ। ये दो चीज़ें आपने कैसे रखनी है, आप कभी भी पानी को जो है कटोरी में ना रखें। जब भी चूज़े छोटे होंगे आप कटोरी में पानी यूज़ नहीं करें, आपको यूज़ करना है डब्बा जो उन्हीं बर्ड स्टॉप से मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, वहीं से आपने ये डब्बा लेना है। इस डब्बे को आपने भरना है गुड़ का पानी जो है, गुड़ आपने कटोरी में डाल के जैसे कि नॉर्मल से कटोरी में डाल के कुछ टाइम छोड़ना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पीस जाएगा। थोड़ा हाथ से भी अगर थोड़ा सा मसल लेंगे तो जो छोटे छोटे पीसेस होंगे वो भी घुल जाएंगे। वो पानी आपने गुड़ वाला बना के डब्बे में डाल देना है और ये पानी आपने 2 से 3 दिन कंटिन्यू करके रखना है। ये इससे क्या होगा, इसके बेनिफिट क्या होते हैं गुड़ से, कि इनका जो पेट होता है ना कोटा वो पूरा फ्रेश हो जाता है, जो भी मतलब अंदर कोटे में कोई भी प्रॉब्लम है वो सब क्लियर हो जाती है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है, कोटा वॉश हो जाता है। तो जो भी दाना खाएंगे ये अच्छे से हज़म कर लेंगे, क्योंकि दाना रुकने की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि ये जब छोटे चूज़े होते हैं ना ये दाना खा लेते हैं, और बहुत से मतलब गाइड लोग ये भी कहते हैं कि आप पानी नहीं रखें, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप पानी कंटिन्यू रखें इन्हें। बहुत से दुकान वाले भी यही कहेंगे और लोग भी बहुत से ये कहते हैं कि भाई आप पानी थोड़ा टाइम पिलाएँ उसके बाद हटा लें, ज़्यादा पानी पीने से मर जाते हैं। तो ये भी ऐसा कोई चांस नहीं होता। मैंने खुद मेरे बर्ड की शॉप है, मैंने खुद चूज़ों को पानी जो है 24 घंटे अवेलेबल रखता हूँ। इससे क्या है कि उनकी तलब पानी की बढ़नी नहीं चाहिए, वो थोड़ा पानी पी लें घूम फिर के, फिर उन्हें पानी पीना है, फिर दोबारा जाके पी लेंगे। अगर आपने पानी हटा दिया आप भूल जाते हैं, जिस वजह से आपके भी पानी मैंने हटाया हुआ है, जब आप दोबारा से पानी रखेंगे तो एकदम से बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। जब ज़्यादा पानी पी लेते हैं ना ये हैवी हो जाते हैं, जैसे इनका पोटा हैवी होता है उस टाइम ये सुस्त होने लग जाते हैं, फिर बीमारी की कंडीशन में चले जाएंगे, जिससे क्या है कि बहुत से जिससे चूज़ें मर जाते हैं, पानी चूज़ें वो भी मर जाते हैं। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने यूज़ करना है कि पानी जो आपने रखना है वो एट अ टाइम ही रखना है, ये नहीं कि आप थोड़ा पानी पिला लें फिर हटा दें, ऐसा कुछ फॉलो नहीं करें। गुड़ का पानी आप इस तरह से पिलाएं, अगर गुड़ आपको नहीं मिल रहा तो आप ORS का सैशे ले लें, ORS का पानी भी पिला सकते हैं 2 से 3 दिन, ये आपने रेगुलर का कोर्स करना है।
3 दिन भी करते हैं उसके बाद ओके, उसके बाद नॉर्मल पानी रखते हैं। पानी की जो रूटीन है वो आपने कंटिन्यू रखनी है, उसको हटाना नहीं है पानी को। और फिर जो है 0 फुल 0 नंबर की मतलब बिल्कुल बारीक फिर आपने 5 से 6 दिन कंटिन्यू रखनी है। फिर उसके बाद आपने बाजरा लेके आना है। क्योंकि कुछ व्यूअर्स कमेंट आ रही थी कि भाई बाजरा का और ये फीड के ऊपर भी कुछ गाइड हैं, तो उसके ऊपर भी ये है कि आप बाजरे को 5 से 6 दिन के बाद जाके यूज़ में लाएँ, क्योंकि फीड जो है वो इतनी हैवी डाइट नहीं होती, बाजरा थोड़ा हैवी होता है डाइट। तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता उससे लेके आए बाजरे को, मतलब आप 1 किलो फीड, जैसे कि आप प्योर 1 किलो फीड लेके आ रहे हैं वो आप खिला रहे हैं, उसके बाद आप 1 पाव बाजरा उसके अंदर कर लें, फिर उसके बाद फिर 1/2 किलो बाजरा बढ़ा लें, फिर इस तरह से क्वांटिटी ऐसे कर लें कि 1 किलो फीड में आपने 1/2 किलो बाजरा बारीक कोई बारीक यूज़ करना है, तब तक जब तक ये तकरीबन इस से थोड़े और बड़े नहीं हो जाते। अभी तक जैसे मेरे ये घूम रहे हैं फिर ये भी, इनमें कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, मिक्स हो गए, वो कुछ सिम्पटम इश्यूज वगैरह होते हैं जिस्मानी, जिसकी वजह से कुछ बड़े रह जाते हैं कुछ छोटे रह जाते हैं, तो वो इशू नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्टिव है, कोई इतना इशू नहीं है। तो इस तरह से आपने ये कोर्स फॉलो करना है कि आपने 2 चीज़ें जैसे मैंने बताया गुड़गा पानी होगा और ऐसे हो गया, 2 चीज़ें आप ये यूज़ कर सकते हैं। पानी आपने कंटिन्यू रखना है। मुझे चांस है कि ज़्यादातर मरने की वजह यही होती है कि लोग यही कहते हैं कि आप पानी मतलब हटा दिया करें, लेकिन वो फॉलो बिल्कुल नहीं करें, आप पानी कंटिन्यू रखें। और दाने में जैसे मैंने आपको बताया, दाने का भी एक इसी तरह से पॉट आता है, वो भी मेरे पास है नहीं, तो मैं सिर्फ कटोरी में या भटोरे में यूज़ कर रहा हूँ दाना। नहीं तो जेस्ट में आता है, जेस्ट के अंदर वो भी दाने का पॉट आता है, अगर वो भी आप रख लेंगे तो ये कि उससे ये कि वो दाना साइड से उठा लिया करेंगे, इन कभी गंदा दाना नहीं उठाएंगे। नहीं तो आप जैसे कि पॉट में डाल देते हैं या कटोरी में डाल देते हैं, पाँव मार के बाहर गिरा देते हैं, फिर गंदा दाना नीचे का गिरा हुआ दाना जब खाएंगे उससे बीमार होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है चूज़ों को बचाने के लिए। और बाय चांस ये हो जाता है कि आपका चूज़ा सुस्त हो गया है, बीमार सा हो गया है जैसे कि आपको लग रहा है, तो उसका फिर आपने कोर्स करना है मेडिकल कोर्स, फिर वो भी मैं आपको बताया था मेडिकल कोर्स कैसे करना है। मेडिकल कोर्स में आपने ये लेना है कि आप जो है मेडिकल से कोई सी जान की मेडिकल से आपको मिल जाएगा ब्रोफेन, ये बुखार का सिरप है ब्रोफेन, और दर्द की जैसे अंदरूनी दर्द हो जाए ये बच्चों का सिरप है, आपने ब्रोफेन सिरप लेना है और इसे पिलाना है इस तरह से कि आपने एक इंजेक्शन ले लेना है, नॉर्मल सा इंजेक्शन मिल जाएगा, आप उसके आगे ड्रिप का पाइप लगा के आप इससे जो है थोड़ा सा ब्रोफेन ज़्यादा नहीं, जैसे कि आपने थोड़ा सा फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ml जो है आपने ये ब्रोफेन का सिरप ले लिया, उसके बाद 2 ml मसीदो और आपने पानी ले लिया, 3 ml करके आपने उसको पिला देना है चूज़े को। उससे ये कि वो अगर थोड़ा सा सुस्त हो रहा है, जैसे भी आपको लगता है कि सुस्त हो चुका है कि आपने केयर मतलब बराबर से मेरी सुस्त हो गया, तो उसके बाद आप ये यूज़ कर सकते हैं ब्रोफेन सिरप, इससे दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और बुखार वगैरह कुछ भी होता है तो वो भी उसका उतर जाएगा और वो ओके होने के चांस हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक टिप्स होते हैं जो आपने यूज़ करनी है, इससे इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि देसी चूज़े नहीं मरते। मैंने भी पाले हैं माशाल्लाह से, बहुत एक्टिव हैं, ये मेरा 2nd क्लच है, जिससे उससे पहले वाला जो क्लच है माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, एक्टिव हो चुके हैं, बड़ी हो गए हैं तकरीबन 5 साढ़े 5 महीने है जो कही होगी। इस मरतबा ये देखें आप 20-30 में तकरीबन लाया था, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई थी जो इसके वजह से टाइम शॉर्ट होने की मैं देखभाल नहीं कर सका, तो कुछ 2-4 पीस डेथ हो गई है, लेकिन अभी माशाल्लाह सब एक्टिव हैं। बारिशों का सीज़न है, बारिशों के सीज़न में बहुत केयर करनी पड़ती है, ये भीगे नहीं, कोशिश ये करें कि इन्हें अच्छी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे पानी ना पहुँच सके, बारिश का नमी तो आएगी, नमी का इशू नहीं आएगा, क्योंकि बारिश का पानी लग गया भीग गई, आपने फौरी तौर पर केयर करनी है। केयर से मुराद क्या, इनको बिल्कुल एकदम मतलब साफ कम से कम आदमी को क्लीन कर लें, साफ कर लें, सुखा लें, इनको कपड़ा मार के और इनको बिल्कुल गर्म सी जगह पर रख लें, जैसे कि अगर बल्ब की गरमाइश दे सकते हैं तो बल्ब की गरमाइश भी दें और साथ ही ब्रोफेन सिरप का यूज़ भी करें। तो ये सब कुछ होते हैं कुछ छोटे छोटे टिप्स जिससे ये कि आपके देसी चूज़े नहीं मरेंगे, आपने फॉलो करना। तो जितनी मेरी तरफ से कोशिश की मैं आपको गाइड दे सकूँ, उम्मीद है कि मेरी ये गाइड आपको समझ आ गई होगी, कोशिश मेरी यही रही होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप भी उसको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी नए वर्ग के साथ। तब तक के लिए दिया इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।